तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी एसएससी सीजीएल की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में। देखिए, मैंने कई बार देखा है और आपने भी कई स्ट्रेटजीज देखी होंगी यूट्यूब पर, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, यूपीएससी, आईएएस के लिए कभी कोई स्ट्रेटजी बता रहा है, कभी कोई स्ट्रेटजी बता रहा है, कोई पूरे एक साल की स्ट्रेटजी बता रहा है। तो मैंने कई बार देखा है कि यार आपको बता देता है कि 2018 में अगर आपको नंबर लाना है तो आप ऐसे पढ़िए, 2017 में से नंबर लाना है तो आप ऐसे पढ़िए। पर क्या आपको रियली में लगता है कि आप उसको फॉलो करते हैं? मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई एक काम दे दिया जाए और ये कहा जाए कि आपको 4 दिन तक वो यही काम करना है, आप कर लेंगे। पर अगर आपको कोई ये कह दे कि यार आपको 365 दिन तक ऐसे ऐसे काम करने हैं, तो आप कितने दिन कर लेंगे? आप क्या करेंगे? 4 दिन कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, 6 दिन कर लेंगे और फिर उसके बाद फिर से उसे भूल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, मेरा इस वीडियो का सीधा मकसद ये है कि आपको रियलिटी बतानी है कि जो आप स्ट्रेटजी देखते हैं ना, आप उसे फॉलो नहीं करते। पहली बात तो ये। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा एक अलग स्ट्रेटजी अपनाएंगे। हम ये करेंगे कि हम वीकली जो होती है, ठीक है, वीकली स्ट्रेटजी बताएंगे कि इस वीक में आपको क्या करना है। तो देखिए, ऐसा क्यों है? इसका एक मेन रीज़न ये है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार आपको 10 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलना है, ठीक है, कि 10 किलोमीटर चलना है, आप नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है, आपको थोड़ा थोड़ा करके चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वीक की बात करेंगे कि इस वीक में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम पढ़ेंगे और क्या कौन कौन से लेक्चर्स हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्या आएगा, हम नेक्स्ट वीक का टारगेट बनाएंगे कि नेक्स्ट वीक में हमें उसके आगे का क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम चलेंगे। तो एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैं इसमें बता रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे कि हम कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या करेंगे। और ये 100% वर्किंग है, जो मैंने खुद पर भी अप्लाई करी है, मुझे इसलिए लगता है, और मैंने कई लोगों को देखा ऐसे करते हुए और उन्हें बेनिफिट मिला है। और ये जो टारगेट है हमारे SSC CGL 2018 तक के लिए है, उस 18 तक के हम ऐसे वीकली एक टारगेट बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे और फिर ये देखेंगे कि वीक के बाद उसे अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, वही जो मैंने आपसे बोला कि यार आप हमेशा सोचते हैं कि एक होल स्ट्रेटजी एक सिंगल वीडियो में पूरे साल की स्ट्रेटजी देख लें। मतलब कोई बंदा आपको एक 10 मिनट की वीडियो में या फिर 15 मिनट की वीडियो में आपको आने वाले एक साल तक की पूरी स्ट्रेटजी बता दे रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है यार। आप एक साल तक उसे फॉलो नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से तो ये नॉट पॉसिबल है। अब आपको क्या लगता है वो आप पे डिपेंड करता है, पर मेरे हिसाब से गलत है। दूसरा, आप ये सोचते हैं कि यार एक स्ट्रेटजी बता दी कि हाँ यार ऐसे ऐसे पढ़ लेना और वो सारे एग्ज़ाम के लिए काम चलेगी। तो देखिए, ऐसा नहीं है। CPO का जो एग्ज़ाम है उसका एक अलग थोड़ा सा पैटर्न होता है, CGL का एग्ज़ाम है उसका अलग पैटर्न होता है, जो लेवल MTS के एग्ज़ाम्स का होता है, क्वेश्चन का होता है, सेम लेवल वैसा CGL का नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि सिलेबस सेम है पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सारी स्ट्रेटजी सेम नहीं हो सकती, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट जो आप सोचते हैं ये गलत हैं एकदम। उसके बाद देखिए रियलिटी क्या है, हम रियलिटी की बात करें तो अगर आप रियलिटी की बात करेंगे, ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रियलिटी की बात करने जा रहे हैं तो देखिए रियलिटी, सीधी बात बताऊँ तो ये है कि कभी भी एक होल जो स्ट्रेटजी है वो एक सिंगल वीडियो में मत ढूंढिए। एक इंटरवल के बाद, एक छोटे छोटे इंटरवल के साथ अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि यार हाँ हमें 1 हफ्ते ये करना है, हमें 2 हफ्ते ये करना है। मैं कह रहा हूँ चलिए आप 1 महीने की कोई स्ट्रेटजी बना लीजिए, पर 1 साल की या पूरे आगे चल के हमें क्या करना है वो स्ट्रेटजी एक सिंगल वीडियो में नहीं चलेगा। साथ ही साथ देखिए, अगर मंथली या वीकली स्ट्रेटजी बनाते हैं ना तो आपको बेटर रिजल्ट भी मिलेगा। ओके, और देखिए साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि आप उसी पे एकदम फिक्स हो गए कि यार हमने जो स्ट्रेटजी बनाया हम उसी से करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि हमें उसको मॉडिफाई भी करना पड़ता है कि यार कुछ, चलो हमारा कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है। देखिए, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि स्ट्रेटजी क्या है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि इंसान अपनी कैपेबिलिटी खुद जानता है। अब रोमन सैनी सर हैं, बहुत बड़े इंसान हैं,
और बहुत एक्सपीरियंस होने, वो अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बता रहे हैं। पर आप रोमन सैनी सर नहीं है, आपका जो आईक्यू लेवल है वो उनके जितना नहीं है, और आपका जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके जितना नहीं है, वो बहुत हाई लेवल का एक्सपीरियंस है उन्हें। तो आप क्या सोचते हैं कि उनका जो स्ट्रेटेजी होगी वो आप फॉलो कर लेंगे तो आपको क्या वही रिजल्ट मिलेगा जो उनको मिला है? नहीं मिलेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए और अपने हिसाब से बनाइए। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल पे दे सकता हूँ कि हाँ यार, इस तरह की स्ट्रेटजी बेनिफिट देती हैं। तो देखिए, जैसे अगर मैं अब बताऊँ कि दिस वीक की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, इस वीक की स्ट्रेटजी, तो पहला जो हमारा लेक्चर है जो कल होने वाला है, और वो दोपहर में 12 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है, लाइव आ जाएगा। तो वो हमारा किस चीज़ के ऊपर होगा? वो हमारा सीधा होगा बेसिक फंडामेंटल ऑफ क्वांट। देखिए, क्वांट के ऊपर बेसिक फंडामेंटल का मतलब क्या है कि हमें क्वांट में हम क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, हम कैसे फॉर्मूले याद करें, कैसे कैलकुलेशन करें, जिससे हमारे जो मार्क्स हैं उसमें कम से कम 5 से 10 नंबर का इजाफा हो जाए। मतलब कैलकुलेशन फास्ट करने से, प्लस कौन कौन से फॉर्मूलेस करने से, या कैसा हमारा वे ऑफ अप्रोच होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बेसिक फंडामेंटल में बताऊंगा। देखिए, आप सीधे मैथ करने लग जाएंगे उससे फ़ायदा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, अपना एक माइंडसेट कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको मैथ समझ में आएगी। उसके बाद देखिए, वीक में 2 क्लासेस होनी है, तो एक जो दूसरी होगी हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस हम बाद में करेंगे। अर्थमेटिक मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी जो पहले एग्ज़ाम आएंगे वो CHSL आएगा, उसके बाद CPO आएगा, और इन दोनों में अर्थमेटिक ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। इसलिए मैं अर्थमेटिक पहले कवर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपका इंग्लिश होगा, तो इंग्लिश में वर्ब से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, वर्ब को देखेंगे। उसके बाद रीजनिंग का जो पहला लेसन होगा, पहला लेक्चर होगा, वो नंबर सीरीज से होगा। और उसके बाद जो आपका GS होगा, तो GS में हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, और वो फिज़िक्स का होगा लेक्चर। और जो फिज़िक्स भी होगी ना, वो आपकी NCERT बेस्ड होगी, और एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि 2 या 3 चैप्टर कवर करा दूँ पूरे, ठीक है। तो ये आपकी फिज़िक्स बेस होगी। और साथ ही साथ देखिए, आपकी जो करंट अफेयर होगी वो 1 तारीख से लेके और 10 तारीख तक की होगी। मैं 10 10 दिन की कवर कराऊंगा कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक की पूरी कवर करा ली, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपकी करंट अफेयर कवर कराऊंगा। तो ये एक पूरी स्ट्रेटजी थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, ठीक है। और लाइव सेशन जो होगा वो अपना अलग चलता रहेगा, इनके साथ अलग ही आपको देखिए, मैं कुछ कुछ नई सीरीज़ और ले आऊँगा। जैसे अगर हो सकता है GS में मैं पर्सन वाइज हिस्ट्री ले आऊँ, कि राम मोहन रॉय की हिस्ट्री, गांधी जी की हिस्ट्री, भगत सिंह की हिस्ट्री, और उससे जुड़े क्वेश्चन जो हो सकते हैं, इस तरह की कोई सीरीज़ में नई अपनी तरफ से ला सकता हूँ। पर ये जो लेक्चर्स हैं ये कंटिन्यूस ऐसे ही चलते रहेंगे, ओके। तो यही इस पूरे वीक की स्ट्रेटजी थी, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यार अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। और अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है तो मुझे आप FB पे, आप मेरा पेज है वहाँ पर आप जाके सर्च करिए और मुझे कमेंट करिए, या फिर किसी भी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट भी करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और रही बात, कई सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि यार टेलीग्राम चैनल की, तो वो जल्दी मैं लाऊँगा, सॉरी। और साथ ही साथ देखिए, आपको जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, कि व्हाट्सएप नंबर आपको मैं बता दूँ। देखिए, मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नहीं बताऊँगा जो मेरे फैमिली मेम्बर्स यूज़ करते हैं, उसके अलावा मैं एक स्पेशल अलग से एक व्हाट्सएप नंबर ले रहा हूँ जो सिर्फ आप लोगों के लिए होगा। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे वहाँ डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आपको सीधे जवाब वहीं पर दे दूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।